अगर आप भी हार्ट, लीवर, लंग्स और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों में मुब्तिला हैं और बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए हैदराबाद से डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग गुलबर्गा हागरगर और सभा फंक्शन हॉल के अपोजिट हैज सागर बेकरी के करीब मौजूद अलफुरखान क्लिनिक को हर वेडनेसडे विजिट कर एक्यूपंचर के जरिए कई मुख्तलिफ बीमारियों का 100% रिजल्ट के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग एमडी एक्यूपंचर हैं और पिछले कई सालों से बिना किसी ऑपरेशन के बड़ी बड़ी बीमारियों का काफ़ी कम वक्त में इलाज करते आ रहे हैं। आप इस वीडियो में कई ऐसे मरीजों को सुन सकते हैं जिनको डॉक्टर्स ने हार्ट के लिए इमीडिएटली बाईपास सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, पर डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग ने एक्यूपंचर के जरिए बिना किसी ऑपरेशन के इनका ट्रीटमेंट किया है। हार्ट, लीवर, लंग और किडनी प्रॉब्लम के अलावा यहाँ वेट लॉस, टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, फैटी लीवर, डायबिटीज, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, पाइल्स, आई प्रॉब्लम, ब्रेन डिसऑर्डर, पीसीओडी, पीसीओएस और दीगर ऐसे कई मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज यहाँ किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। जो घुटने के पेशेंट सर, जो नी पेशेंट हैं, जिनको बैक पेन है और सर्वाइकल, ज्यादातर घुटने और कमर के लिए मैं एक फॉर्मूला बता दूं इंशाल्लाह। 2 चमचे शहद, 2 चमचे दालचीनी का पाउडर और 1/2 चमच पान का चूर्ण, ये मिला के पेस्ट बना लेना। पेस्ट बना के आपके घुटने पे लगाना है, ये घुटने पे लेप लगा देना। लेप लगा के इसको क्या करना है, कॉटन लगा के रख दे के इसको कपड़ा बांध देना, रात में बांध देना, सुबह में निकाल के फेंक देना। रात में बांधना, सुबह में निकाल के फेंक देना और 1/2 चमच अजवाइन का पानी उबाल के, अजवाइन को उबाल के सुबह सुबह पी लेना। इंशाल्लाह उनको बहुत कम वक्त में घुटने के दर्द चल जाते। वैसा बैक पेन वाले पेशेंट आए, वही साथ सेम लेप अपने कमर पे लगाना। जरा थोड़ा क्या करना उसको, कोई प्लास्टिक बांध देना, फिर टीपीज बनना, खास करके जो पेस्ट है ना, दालचीनी, शहद, चूना मिला के फिर कमर पे लगा देके क्या करना उसको, पीनी रैप करना। रैप करने से क्या होता है, वो हीटिंग होके वहाँ जो सर्कुलेशन बंद हुआ वो फिर से चालू आता है। नी के इससे, ये इससे खाली सर्कुलेशन बंद होने से होते हैं। ये मेरे दोस्त हैं इब्राहिम साहब, इन्होंने बोले यहाँ कैंप लगाया बोल के, तो मेरे को 4 साल से जेंट्स पेन था, तो जो है मैं आके डॉक्टर सलीम मिर्ज़ा साहब से मिला, तो जो है उन्होंने मेरा इलाज किया 2 घंटे बिठा कर, तो 75% अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मेरे जॉइंट पेन से रिलीफ मिला। अल्लाह का शुक्र है कि एक बेस्ट डॉक्टर हैं, अच्छी जो है सर्विस दे रहे हैं, फ्री कॉस्ट दे रहे हैं, और ये तमाम टीम भी जो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको इसका भी अजर दे। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल से दुआ दे रहा हूँ कि 75% अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम हो गया। तो मैं यही बोलता हूँ कि हर किसी को भी जो है ये तकलीफ़ है, तो मैं डॉक्टर मिर्ज़ा साहब से मिलने की मशवरा दूंगा मैं, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर हैं और जो है बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा क्यूर कर रहे हैं पेशेंट को, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल से था मैं हैदराबाद ओएसी हॉस्पिटल, इधर तकरीबन जगह गया मैं, वही मेडिसिन वगैरह ये वो दे रहे थे, तो फिर मैं जो है छोड़ दिया था ये, तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेता था। तो आज मेरे दोस्त इब्राहिम साहब जो है मुझे इतला करे फ़ोन करके, और एक बार बताएंगे बोल के, तो आया मैं डॉक्टर साहब से मिला, तो डॉक्टर साहब मेरे को पूरा पूछे कब से है, क्या है, कैसा है, तो मैं सारे डिटेल्स डॉक्टर साहब को बताया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब मेरे को 1.5 घंटे में ऐसा रिलीफ करे अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे कि मुझे पेन नहीं है इंशाल्लाह। तो मैं हर किसी को यही मशवरा करूँगा कि ऐसे बिल्कुल काबिल डॉक्टर से मिले पब्लिक, और जो भी ये खिदमत कर रहे हैं यहाँ सारी टीम को भी मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह इसका अजर ये तमाम टीम को दे। मैं मिर्ज़ा सलीम बेग अलफुरखान क्लिनिक, जैसा कि आप जानते हैं मैं बिलोंग निज़ामबाद से करता हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैदराबाद के पेशेंट्स थे जिनको मैं रिकवर किया वहाँ पर, तो वो लोग ज़बरदस्ती मेरे को हैदराबाद खींच के ला लिया। उसी तरह यहाँ भी गुलबर्गा के कुछ पेशेंट्स या दोस्त बोलो मेरे को, एक लोगों को बहुत सारे बीमारी के मसाइल थे, न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये इश्यूज़ को सॉल्व नहीं होने की वजह से ये लोग प्रैक्टिकली मुझे देखे वहाँ पर कि किस तरह मैं वहाँ हैदराबाद में क्योर करूँ। तो ये लोगों को ख्वाहिश जाहिर करें कि बहुत सारे लोगों को ये डिसऑर्डर्स है, ये डिसीज़ है, क्योर नहीं हो रहे, तो क्यों ना हमारे पास भी ट्राई करें। तो इन लोगों के ज़मन में यहाँ पर गुलबर्गा को मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स को रीच हुआ। हमारे पास खास करके हार्ट फेल होगा, लीवर फेल होगा, किडनियाँ फेल हो गए, या लंग्स प्रॉब्लम है, या हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी किडनी इश्यूज, किडनी स्टोन दो या गैल्बर स्टोन दो, ये बहुत कम वक्त में हम लोग रिकवर हो जाते हैं।
अलग से कैंसर के पेशेंट्स को हम लोग खास करके डील करते हैं, अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे पास। मेरा यूट्यूब पे एक पेज है अल फुरकान क्लिनिक निजामबाद, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूरो के केसेस जो नए रिकवर हो पाए थे, डॉक्टर के पास जाने में रिकवर नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिकवर हुए, मेरा डाटा पर्सनली चेक कर सकते हैं। जैसा कि कोरोना के जैसे वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे लाखों पेशेंटों को रिकवर करा मैं लंग्स के मामले में, जो दो दो तीन तीन मिनट में मेरे पास राइट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव डाटा पड़ा हुआ है मेरा अल्लाह की तरफ से। जो कोरोना में एक दवा बहुत मशहूर हुई थी तिब्बे नवे की, उसका बेसिक फाउंडर मैं हूँ अल्लाह की तरफ से दवा को। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गुलबर्गा में हर चारशंबे को आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, खास करके हार्ट प्रॉब्लम कोरोनरी आर्टरी डिसीज से लेके, हार्ट के जो छोटे माइनर से लेके लार्ज डिसीज भी अगर आप महसूस करें, हार्ट में कोई बड़े से बड़ा प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, या लीवर से रिलेटेड, या लंग्स से रिलेटेड, या किडनी से रिलेटेड, ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे अभी जाने गए नहीं, अभी जाने वाले हैं, तो वैसे पेशेंट हम लोगों से इस्तेफादा आके उठा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि उनको हम लोगों से फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।